देश का पुराना गुरु मंत्र है। जहां रोड, रेल या एयरपोर्ट बन रहा हो, वहां प्रॉपर्टी खरीदने से फायदा होगा। मुंबई के मोनोरेल को ही ले, इसे बनने में 5 साल लगे और इस दौरान मोनोरेल से जुड़े इलाकों में कीमतें 2 गुनी हो गई। नवी मुंबई एयरपोर्ट बनना शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 10 साल में यहाँ दाम ट्रिपल हो गए हैं। इस तेजी में आप शामिल नहीं हुए तो वरी नॉट, आपका होमवर्क हमने किया है। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी के एक और एक्शन पैक्ड एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे कि कहां करें प्रॉपर्टी में निवेश, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अब बन रहे हैं उसका फायदा आपको मिले। पर पहले देखेंगे क्या है खास इस हफ्ते रियल एस्टेट टीवी पर। भारत को मिला है नया हाउसिंग स्टार्ट इंडेक्स। प्रॉपर्टी मार्केट में रिवाइवल ने जोर पकड़ा, ताजे आंकड़ों ने दिए सबूत। भारत के हाउसिंग स्टार्ट इंडेक्स को इसी हफ्ते राजधानी दिल्ली में केंद्रीय आवास मंत्री गिरिजा व्यास ने लॉन्च किया। दुनिया भर में अमेरिका और जापान जैसे सिर्फ 6 ही देशों का अपना हाउसिंग स्टार्ट इंडेक्स है और अब भारत में भी ये तैयार हो गया है। हालांकि अभी ये एक पायलट है जो 27 शहरों को ही कवर करेगा। इस इंडेक्स से रियल एस्टेट सेक्टर और देश की इकोनॉमी दोनों के सेहत का हाल पता चलेगा। साथ ही सरकार, बिल्डर, निवेशक और खरीदारों को इस इंडेक्स से रियल एस्टेट में खरीद और निवेश के फैसले लेने में मदद मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ बिल्डर्स और कंज्यूमर्स का ही भला नहीं करता, बल्कि रियल्टी सेक्टर से सीमेंट, आयरन, फर्निशिंग जैसी करीब 250 अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट साइज वाले सेक्टर का लेखा जोखा रखने के लिए अभी तक कोई सिस्टम नहीं था, पर अब भारतीय सरकार इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है हाउसिंग स्टार्टअप इंडेक्स को लॉन्च करके। आरबीआई और भारत सरकार के आवास मंत्रालय ने मिलकर ये पहल की है। इससे मुख्य रूप से जो हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की जो लाइसेंसिंग की एक्टिविटी होता है हाउसिंग में, फिर उनमें से कितने अप्रूवल्स कंस्ट्रक्शन पे कन्वर्ट होते हैं, और ये माना जाता है कि उस कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी का लिंकेज किसी ना किसी प्रकार से ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ है। उस पॉइंट को एस्टैब्लिश करने के लिए ये इंडेक्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है। अभी इंडेक्स देश भर के सिर्फ 27 शहरों का लेखा जोखा रखेगा, पर आने वाले दिनों में इस दायरे को 300 शहरों तक बढ़ाया जाएगा, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हर आदमी को फायदा होगा। देखिए, इसमें जो इंडेक्स डेवलप किया जा रहा है वो एक ट्रेंड बताएगा कि किस प्रकार की हमारे प्रोग्रेस हो रहा है। अब तो प्रमोटर, उससे जो डेवलपर है, वो उस ट्रेंड से कुछ फायदा उठा सकता है। डायरेक्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंज्यूमर को सीधा फायदा होगा या नहीं होगा, बट जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस सेक्टर में, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन बेस बन जाएगा जिसके आधार पर वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो अल्टीमेटली वो सारे इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर के फायदे के लिए ही होगा। हाउसिंग स्टार्टअप इंडेक्स की मदद से इस तरह का जरूरी डेटा बड़ी आसानी से मिलेगा, तो कुछ सालों में चाहे आप कानपुर में रहे या फिर अंबाला में, रियल एस्टेट से जुड़े किसी भी फैसले को लेने में ये इंडेक्स मददगार होगा। हाउसिंग स्टार्ट इंडेक्स शुरू हो जाए तो देश भर में रियल एस्टेट का ताजा हाल जानना काफी आसान हो जाएगा, लेकिन तब तक हमें कई सोर्सेस से डेटा जुटाना पड़ेगा। पिछले 2 हफ्तों से लगातार रियल एस्टेट टीवी पर हम रियल्टी में जोर पकड़ते रिवाइवल को ट्रैक करते आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि खरीदार मार्केट में लौटा है और इस हफ्ते आए 2 डेटा पॉइंट्स अब इसी ट्रेंड को साबित कर रहे हैं। तो चलिए देखें क्या है रियल्टी मार्केट का ताजा हाल। लंबी सुस्ती के बाद रियल्टी मार्केट में खरीदार लौटे हैं, ये बात इस हफ्ते आए 2 आंकड़ों से और साफ हो जाती है। मुंबई में जहां पर बिल्डर करीब 46 महीनों का स्टॉक बेचने की कोशिश में लगे हैं, वहां दिसंबर महीने में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करीब 12% बढ़ी है। मुंबई के डायरेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के मुताबिक दिसंबर में करीब 7,000 मकानों की बिक्री हुई है, जो कि नवंबर में हुए रजिस्ट्री के मुकाबले 80% ज्यादा है। रिसर्च कंसल्टेंसी लाइसेंस फराज के मुताबिक साल की तीसरी तिमाही में मुंबई में बिक्री 26% बढ़ी है। देश के दूसरे इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सबसे ज्यादा पिकअप बंगलुरु में दिखा, जहां सेल्स 58% बढ़ी, तो पुणे में इस दौरान 48% ज्यादा मकान बिके हैं। बिक्री बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह है मकानों की बढ़ती अफोर्डेबिलिटी। डेवलपर्स ने मकानों के टिकट साइज कम किए हैं।
देश भर में नया सप्लाई औसतन 9% कम दाम में मिल रहा है और ज्यादातर नए लॉन्च 25 से 50 लाख रुपए में और 50 लाख से 1 करोड़ के ब्रैकेट में हो रहा है। कम दाम में प्रोजेक्ट्स आए तो इस तिमाही कीमतों में भी कुछ तेजी थमती नजर आई। ज्यादातर शहरों में कीमत 1 से 2% तक बढ़ी है तो वहीं पुणे में दाम 2% घटे हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि कीमतें प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में घटी हैं। ओवरऑल मार्केट में दाम अब भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। मुंबई को ही ले जहां दाम औसतन अब भी 11,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से ज्यादा है। तो मार्केट रिवाइव हो रहा है और खरीदार लौट रहे हैं, लेकिन कहां करें निवेश, किस लोकेशन से मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी में, जहां आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा। देश में बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से हम हिसाब लगा रहे हैं कि कौन से हैं उभरते प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट्स, जहां पर निवेश करके आपको मिलेगा फायदा। शुरू करेंगे भारत के पूर्व और पश्चिमी इलाकों से, और इस पर चर्चा करने हमारे साथ जुड़ रहे कुशमन वेकफील्ड के एग्जीक्यूटिव MD संजय दत्त। स्वागत है संजय आपका। ये बताइए, मोनोरेल के अलावा कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नवी मुंबई पुणे बेल्ट में बन रहे हैं, लेकिन ये काफी समय से बनते आ रहे हैं, क्या अब भी यहाँ निवेश करने में फायदा है? देखिए, एक गोल्डन प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट का कि जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो और वहां पे एंट्री प्राइस जो है कम हो, जो कि नवी मुंबई में लोकेशंस जैसे कलंबोली, खारगर, पनवेल, पेन, कुछ रायगढ़ एरिया में भी आते हैं, और अगर आप थाने सिटी की तरफ गोलबंदर रोड और डोंबिवली कल्याण की तरफ जाते हैं फर्दर, तो आपको उतनी ही अट्रैक्टिव प्राइसेस देखने को मिलेंगी। तो ये सब लोकेशंस जो हैं बहुत ही अट्रैक्टिव लोकेशंस हैं, और यहाँ पे जो गोल्डन प्रिंसिपल्स जो इन्वेस्टमेंट के होते हैं वो सब मौजूद हैं। आपको सिर्फ यही तय करना है कि एक अच्छे क्रेडिबल डेवलपर के साथ, जो कि एक लार्ज इनफ प्रोजेक्ट बना रहा हो जिसके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, वहीं पे अगर आप निवेश करें तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए मुंबई के मैप को देखिए ध्यान से, एक तरफ तो अरेबियन सी है वेस्ट में, नॉर्थ में गुजरात पड़ता है, साउथ में गोवा पड़ता है और पुणे पड़ता है, तो ग्रोथ जो होगी तो वेस्ट में तो हो नहीं सकती, वो ईस्ट में ही होगी। तो ईस्ट में अगर थाना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तो वहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। जी तो इस बेल्ट में कहां करें निवेश? अगर आप देखिए तो वेस्टर्न सबर्ब तो खैर बहुत ही महंगे हो चुके हैं, लेकिन गोरेगांव ईस्ट में और गोरेगांव वेस्ट में अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफी अट्रैक्टिव रेट पे मिल रहे हैं। अगर आप सेंट्रल लाइन की तरफ जाते हैं और LBS मार्ग पे जाते हैं तो वहां पे आपको विखरौली से लेकर बुलुंड तक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लगती हैं। हालांकि कुछ हद तक वहां पे प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन अभी भी वो इतने नहीं है जितने वेस्टर्न सबर्ब्स के प्राइसेस हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का है और 1 or 2 बेडरूम्स आप लेना चाहते हैं तो वो सबसे अच्छी बेल्ट है। तीसरी तरफ अगर आपको वकोला, वडाला और सीवरी और उसके बियॉन्ड जो नया फ्रीवे बना है ईस्टर्न मुंबई की तरफ, उस तरफ में अगर आप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे वैल्यूज अभी भी अट्रैक्टिव हैं, तो उसमें मैक्सिमम आपको अपसाइड मिल सकती है। जी अब गुजरात की बात करते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा काम गुजरात में हुआ है, क्या अब भी यहाँ निवेश करने में फायदा होगा? मेरे हिसाब से मैक्सिमम एप्रिसिएशन DMIC कॉरिडोर में आपको लैंड में मिलेगा। ऑब्वियसली लैंड को बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है, आप एग्रीकल्चर लैंड ना लें, आप रेजिडेंशियल जोन लैंड लें और बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिलेगा। कुछ हद तक प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। कुछ ऐसी हब्स हैं इस कॉरिडोर में जहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है और जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, इंक्लूडिंग पोर्ट एरियाज या लॉजिस्टिक एरियाज या इंडस्ट्रियल नोटिफाइड SEZs या उसके आसपास के इंडस्ट्रियल इलाके। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो गुजरात में हो, गांधीनगर, अहमदाबाद में हो, या बाहर की तरफ निकलें, राजस्थान की तरफ निकलें और हरियाणा की तरफ निकलें, उन सब कॉरिडोर पे मैक्सिमम आपको एप्रिसिएशन हो सकती है। मैं समझता हूँ क्योंकि मार्केट में कुछ हद तक मंदी भी है,
ये सबसे अच्छा मौका होगा कि आप उसको वहां पे उठाएं, इन्वेस्टमेंट लगाएं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। तो लैंड एप्रिसिएशन 3 साल तक डेफिनेटली आपको 20-30% एप्रिसिएशन आपको दे देगा उसके अंदर ही अंदर, कुछ लोकेशन में शायद 50% भी हो जाए जी। और गुजरात में ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर कौन से लोकेशन आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं? मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपना व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली अहमदाबाद अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लोकेशन है। गांधीनगर के कुछ प्रोजेक्ट्स तो बहुत ही हाई क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल हैं, और जैसे ही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक स्पर्ट आता है मेरे ख्याल से वो 30-40% भी अप्रिशिएट हो सकते हैं मीडियम टर्म। जी संजय, अब लेट्स गो ईस्ट नाउ। कोलकाता में हमने दूसरे मार्केट की तरह तेजी तो नहीं देखी है, तो क्या अब यहाँ पिकअप होते आपको दिख रहा है? ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है, उसकी कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। सर्विसेज सेक्टर्स को अगर बढ़ावा मिला उस स्टेट में तो डेफिनेटली उसका पिकअप होगा। उसके साथ में जो नेबरिंग इलाके हैं इंक्लूडिंग उड़ीसा बिहार जो स्टेट्स हैं वहां पे भी अगर उद्योग लगेंगे और वहां पे उन्नति बढ़ेगी तो उसका भी प्रभाव कलकत्ता में पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो डेफिनेटली अच्छी मार्केट है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स में रहें या उसके आउटर पेरिफेरी में रहें, राजाहाट से सिटी की तरफ आएं, साउथ में जो कलकत्ता साउथ का इलाका है वो बहुत ही लोकल्स को पसंद है, अगर वहां पे प्रोजेक्ट्स अच्छे अफोर्डेबल दाम में आपको मिलते हैं और वहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहें तो वहां पे भी मैक्सिमम आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। मैं समझता हूँ शॉर्ट और मीडियम टर्म में आपको कम से कम 15% तो आप डेफिनेटली एप्रिसिएशन लेके चलें, शायद ज्यादा भी हो सकती है मीडियम टर्म तक। जी, यहाँ पर मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है, कई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो कहाँ पर खरीदारी के मौके दिख रहे हैं आपको? सो मैक्सिमम जो बेनिफिट इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है वो साउथ टू नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर में मिला है कलकत्ता के, तो राजाहाट से लेके साउथ में अगर तक जाते हैं तो उस पूरी बेल्ट में मैक्सिमम माइक्रो मार्केट जो आती हैं जो कि मेट्रो से लिंक्ड है उन सब लोकेशंस में मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिली है, और कम से कम 10-15% तो पिछले एक साल में ही हो चुका है। हालांकि हालात इतने पॉजिटिव नहीं थे और सेल वेलोसिटी भी कम थी, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट जो इस कॉरिडोर में हैं उनमें एप्रिसिएशन देखने को मिला है। जी, यहाँ पर एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाने का प्रपोजल है, इससे कौन से लोकेशंस को फायदा होगा? डेफिनेटली जैसे ही वो प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक ओपिनियन चेंज होगा उस उन बेल्ट्स का जहां पे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और उससे जो लिंक्ड सेक्टर्स हैं उद्योग हैं जो उनका जिस हिसाब से मुनाफा होगा कारोबार इम्प्रूव होगा डेफिनेटली उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और उसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ेंगी रियल एस्टेट की। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म लैंड कैटेगरी में आप जाइए और वो उस कॉरिडोर से लिंक्ड या लिंक्ड कनेक्टेड हाईवेज या रोड पे वो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और कम से कम 5-10 साल का व्यू होना चाहिए। तो दक्षिण कोलकाता और राजरहाट में मकान, गुजरात में पोर्ट्स और डीएमआईसी जोन में जमीन आपको यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, आगे नजर डालेंगे उत्तर और दक्षिण भारत पर और देखेंगे कौन से हैं यहाँ के प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं रियल एस्टेट टीवी। ब्रेक से पहले हमने पूर्वी और पश्चिम भारत के प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट देखे, अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से कहाँ करें निवेश उत्तर और दक्षिण भारत में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे एक्सपर्ट BOP.IN के बिजनेस डेवलपमेंट हेड अमित गर्ग। स्वागत है आपका अमित। ये बताइए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उससे सबसे ज्यादा फायदा तो NCR में नोएडा और गुड़गांव को हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी कौन से ऐसे खास सेक्टर्स है जहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको दिख रहा है? गुड़गांव के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप जितना भी लैंड है वो आप लैंड खरीद के उसकी यूजेज को चेंज करा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आज वो एग्रीकल्चरल लैंड है और उस लैंड के ऊपर आपने कमर्शियल एक्टिविटी को अप्रूव करा लिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, वर्सेस नोएडा जहां पे एक एक सेक्टर पूरी तरह डिफाइंड है, पूरी तरह क्लियर है, पूरी तरह डीमार्केटेड है। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्लान्ड अकॉर्डिंगली एंड लेड अकॉर्डिंगली।
सो मेरे हिसाब से नोएडा इज नाउ समथिंग विच इज द न्यू इन्वेस्टमेंट हब. जी तो अमित, यहाँ पर किस तरह का सप्लाई बढ़ रहा है, टिकट साइज क्या होगा? नाउ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेसवे एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, फोरसी यमुना एक्सप्रेसवे इज द नेक्स्ट हब इन यूपी फॉर एनी न्यू डेवलपमेंट्स टू कम अप और एनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स टू समबडी वांट्स टू मेक. क्योंकि वहां पे आज भी अगर हम देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे पे सब 3000 रुपीज का हमारे को फ्लैट में कॉस्टिंग में आ जाता है, जो एक काफी बड़े इन्वेस्टर बेस और कस्टमर बेस को केटर कर सकता है. जी, और निवेशक कितनी ग्रोथ की उम्मीद करे? सी रियलिस्टिकली रियल एस्टेट के अंदर 15-20% एनुअल रिटर्न इज समथिंग विच एनीबडी कैन लुक एट एंड ऑल्सो फील कम्फर्टेबल अबाउट इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ द मार्केट्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, देन दिस कैन इजिली जम्प अप टू 30% एनुअली ऑल्सो. जी, अमित, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है यहाँ पर. इस राज्य को DMIC का तो फायदा होगा ही, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का भी फायदा होगा, और जो NCR में जितना डेवलपमेंट हुआ है उसका भी फायदा यूपी को ही हुआ है. तो क्या आपको यूपी एक प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट के तौर पर उभरते नजर आ रहा है? सी, यूपी एक ऑलरेडी हॉटस्पॉट बन चुका है अगर आप मेरी अंडरस्टैंडिंग मानेंगे तो. क्योंकि यूपी के अंदर मैंने जैसे आपको बताया, द गुड पार्ट इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वेल प्लान्ड है. इंस्टीट्यूशनल अलग है, रेजिडेंशियल अलग है, कमर्शियल अलग है, मिक्स लैंड यूज अलग है, उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने इतना अच्छा बना दिया है जो आगे की फ्यूचर को देखते हुए आराम से उस चीज को केटर कर सकता है. और यूपी के अंदर वो अप्रिसिएशन जो बाकी NCRs में बढ़ चुकी है, यूपी के अंदर अभी वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे है और ऊपर जो उसका ग्रोथ है, जो उसका ग्राफ है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है. तो यूपी एनी डे इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ पीपल टू स्टिल थिंक अबाउट इट. इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, जो मकान आज की डेट के अंदर आपको गुड़गांव के अंदर करोड़ रुपए का मिल रहा है, वो यूपी के अंदर आपको 70 लाख रुपए का मिल रहा है. जहां पे मेरा कहने का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली भी 30-35% का गैप है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ. जी तो यूपी में कौन से लोकेशंस निवेश के नजरिए से फायदेमंद होंगे और क्या खरीदे यहाँ पर, जमीन ले कि मकान खरीदे? स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड अपार्टमेंट्स इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन एंड अ फैंटास्टिक ऑप्शन विच इज अपकमिंग नाउ. जमीन तो नॉर्थ इंडिया में हमेशा से ही रहा है कि जमीन की तरफ प्रेफरेंस रही है लोगों की, बट जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कंपेयर करेंगे तो जहां 40 लाख रुपए का आपको आज फ्लैट मिलता है, वहीं आपको 80 लाख रुपए की जमीन मिलेगी. तो प्रैक्टिकली 1.5-1.75 टाइम्स की इन्वेस्टमेंट होती है जमीन के अंदर. और अगर आप 3-5 साल का होराइजन रख के इनको बेचेंगे तो आपके जितने पैसे इन्वेस्टमेंट किया गया है वो प्रैक्टिकली रिटर्न उतनी ही आती है. 80 लाख का 1 करोड़ 60 लाख में बिक जाएगा, अगर डबल हो जाता है 40 लाख का 70-75 लाख में बिक जाएगा. सो प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिटर्न उतनी ही होती है. जी, दक्षिण भारत की बात करते हैं. अमित, आप ही नॉर्थ बैंगलोर को शो में रेकमेंड करते आए हैं, इसके अलावा क्या और कोई लोकेशन है बैंगलोर में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते आपको रियल्टी में पिकअप होते दिख रहा है? साउथ में अगर आप देखेंगे, साउथ बैंगलोर आज की डेट में पूरी की तरह क्लटर्ड हो चुका है. वहां पे ऑलरेडी लोग बस रहे हैं. अब अगली जगहें जो हैं इमीडिएट सामने जो डेवलपमेंट नजर आ रही है वो है नॉर्थ बैंगलोर, जैसे हमेशा हमने रेकमेंड भी किया है. एक तो एयरपोर्ट बिल्कुल पास है, तो कनेक्टिविटी फ्रॉम दैट एंगल इज वेरी वेरी इजी. बड़े हाईवेज बन चुके हैं और पूरा का पूरा रियलिटी हब वहां बन रहा है. बहुत सारे डेवलपर्स वहां पे आ चुके हैं ऑलरेडी और उन्होंने अपनी जमीनें लेके उनको डेवलप करना शुरू कर दिया है. शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए. और इसी के साथ रियल एस्टेट टीवी में भी आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है. लेकिन जाते जाते आपको बता दे कि अगर नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपके लिए गुड न्यूज है. नवी मुंबई एयरपोर्ट टेक ऑफ के नजदीक आते जा रहा है. इसी हफ्ते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एयरपोर्ट बनाने के लिए RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन जारी किया है. इसे भरने के लिए कंपनियों को जून 18 तक का समय दिया जाएगा, जिसके बाद कुछ कंपनियां शॉर्टलिस्ट होगी और इनमें से चुनी जाएगी वो कंपनी जो नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाएगी. आपको हमारा ये शो कैसा लगा जरूर बताएं. आप हमसे ट्विटर और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं और हमारे पुराने एपिसोड आप यूट्यूब के CNBC आवाज चैनल पर देख सकते हैं. तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रियल एस्टेट टीवी.